हनुमान जी ना आजकल ना मतलब पहले से भी और अभी कुछ ज़्यादा ही जो यूथ है ना हमारी, जो मतलब मेरी एज की है 22, 23, 25, 30 साल की यूथ ना, हनुमान जी को ज़्यादा मानते हैं, है ना। मतलब जब भी हमें एक वर्ड होता है इंस्टेंट एनर्जी, है ना, इंस्टेंट एनर्जी जब चाहिए होती है, जब भी हमें कुछ नेगेटिव फील हो रहा हो तुरंत पॉजिटिविटी चाहिए, हनुमान जी को याद करो, हनुमान चालीसा गाओ, तुरंत उनका जो इफेक्ट है ना वो फील होता है। तो मैं आपसे थोड़ा सा कुछ जानना चाहूँगा कि हनुमान जी के बारे में ही, कि एक तो ऐसा क्यों है, दूसरा स्पिरिचुअल ग्रोथ के अलावा हम हनुमान जी से मतलब ऐसा क्या है जो हमारी यूथ सीख सकती है। देखिए, हनुमान जी एक परम बलवान, बलशाली, परम सत्ता, बल मतलब अतुलित बल धामा जी, राम दूत अतुलित बल धामा, अतुलित बल के धाम है श्री हनुमान जी महाराज। और हनुमान जी की भक्ति सात्विक भक्ति है। तो आजकल का यूथ, और दूसरा मैं तो सीधा कहता हूँ भाई, जिसके भीतर हवा चल रही है समझो हनुमान जी चल रहे हैं, क्योंकि हनुमान जी हवाई है, पवन तनय संकट हरण, वात जातम नमामि, हवा के बेटे हैं, स्वयं हवा ही है। कोई भी हो, किसी का भी काम हवा के बिना नहीं चलता जी। भोजन के बिना रह लोगे, जल के बिना रह लोगे, हवा के बिना रह लेगा कोई नहीं रह पाएंगे। ऐसे ही यूथ कनेक्ट होता है। हनुमान जी देखो परम योगी, यूथ क्या है आजकल, बॉडी बढ़िया चाहिए। हनुमान जी से बढ़िया बॉडी है किसी नहीं है, परम बॉडी बिल्डर हो भी नहीं सकती। हाँ, और हनुमान जी जैसी पावर नहीं है, हनुमान जी जैसी भक्ति, हनुमान जी जैसी सौम्यता, हनुमान जी जैसी विद्वता, क्वालिटी, विद्वान, हनुमान जी जैसा साइंटिस्ट। हनुमान जी कौन है? वैज्ञानिक। वैज्ञानिक मैं नहीं कह रहा, तुलसीदास जी कह रहे हैं। इसको थोड़ा रामचरितमानस शुरू होती है तो रामचरितमानस में 7 श्लोकों में वंदना की गई है, मंगलाचरण है 7 श्लोकों में। तो उसमें जब सीता जी की वंदना की और वाल्मीकि और हनुमान जी की वंदना की, तो वहाँ का सीता राम गुणग्राम पुण्यारण्य विहारिणो वंदे विशुद्ध विज्ञानो कवीश्वरो कपीश्वरो। विशुद्ध वैज्ञानिक है हनुमान जी, ये पत्थर तैरा देना क्या कौन कर सकता है, ये नहीं, पानी पर पत्थर तैराना तो साइंस भी नहीं कर, ये वैज्ञानिक होके ही काम है। हाँ जी, पहाड़ को हाथ पर उठा करके संजीवनी बूटी लेकर के आ जाना, उड़ना, ये सब वैज्ञानिकों के काम है। हनुमान जी परम विद्वान है, वैज्ञानिक है, वाल्मीकि परम वैज्ञानिक है। वाल्मीकि जी कैसे वैज्ञानिक है? जब राम जी ने सीता जी को निकाला एक धोबी के कहने पर, तो कुछ लोग यहाँ ब्लेम करते हैं राम जी ने सीता जी को अयोध्या से निकाला, लेकिन सीता जी उस समय गर्भवती थी और उनकी गर्भ में जो बालक थे वो राम और लक्ष्मण से भी परम ऊर्जावान जी। और ऊर्जा को कौन संभाल सकता है? वैज्ञानिक। और वाल्मीकि कौन है? वैज्ञानिक। तो राम जी ने कोई ना कोई बहाना बना करके अपनी अयोध्या से उनको वैज्ञानिक वाल्मीकि जी के आश्रम में भेजा जी। तो हनुमान जी परम साइंटिस्ट, परम बलशाली, परम दूत, सब कुछ होने के बाद छोटे, योगी, परम योगी। ताकत ले लो हनुमान जी की, ज्ञान ले लो हनुमान जी का, इससे युवा यूथ प्रभावित होता है जी। और फिर भी चुप है, सब कुछ करने के बाद भी मौन है।